लिपिड्स और जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं ये ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये हमें प्रोवाइड करेंगे, ये हम लोग बात कर रहे थे। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें तकरीबन ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जबकि जो लिपिड्स हैं ये हमें ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी बात हम करेंगे प्रोटीन्स की, तो वहाँ पर हम कहेंगे अपना लिपिड्स की दूसरी बात करेंगे, पहली फूड एनर्जी की बात होगी, दूसरे नंबर पर काफ़ी सारे ऐसे होते हैं हाइड्रोट्रॉफ्स जिनके अंदर जो है वो लिपिड्स होते हैं डाइट्री रिक्वायरमेंट के अंदर। लिपिड्स हैव डाइट्री, यानी कि दे हैव लिपिड्स एज अ डाइट्री रिक्वायरमेंट। डाइट्री रिक्वायरमेंट के हवाले से कैसे होंगे कि बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं उनको उनको लेंगे, फैटी एसिड्स को यूज़ करेंगे, जिनमें यहाँ पर नेम हम कुछ देते हैं जैसे लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड के साथ साथ दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो हमारे पास है लिनोलेनिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड है, ये बाकी फर्दर डिटेल में आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ तीसरे नंबर पे हमारे पास अरेकिडोनिक एसिड है, अरेकिडोनिक एसिड, और इसके साथ साथ जो हैं ये प्रिकर्सर्स होते हैं सिंथेटिक स्टीरोल्स के, यहाँ पर लिनोलिक एसिड है, लिनोलिनिक एसिड है और अरेकिडोनिक एसिड है, ये वाले जो हैं ये हमारे पास प्रिकर्सर्स होते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉर फॉर सिंथेटिक स्टीरोल्स के लिए, फॉर सेंसेस ऑफ स्टीरोल्स के लिए। स्टीरोल्स जो हैं ये फर्दर दो काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले स्टीरोल्स जो हैं ये यूज़ होंगे स्टीरॉइड्स बनाने के लिए बॉडी रिक्वायरमेंट के तौर पर, और दूसरे नंबर पे जो हैं ये हमारे पास यूज़ होंगे फॉर कोलेस्ट्रॉल, यही जो स्टीरोल्स हैं ये यूज़ हो जाएंगे कोलेस्ट्रॉल बनाने में। स्टीरॉइड्स जो हैं ये यूज़ होंगे डिफरेंट फंक्शंस के लिए और एंजाइम के तौर पे यूज़ होंगे स्टीरॉइड्स जो हैं, और इसके साथ साथ दूसरे जो हैं वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी हमारे पास स्टीरोल से ही क्रिएट होंगे या फॉर्मेशन होगी इनकी। दूसरे नंबर पे है हमारे पास लिपिड के कुछ और फंक्शंस जो हैं उनमें देखेंगे कि स्टीरॉइड्स कोलेस्ट्रॉल जो हैं, इसके साथ साथ जो हम लिपिड की बात करेंगे तो लिपिड हमारे पास तीसरा फंक्शन होगा इसका, ये पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। हम सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थोड़ा सा रेफरेंस अगर दें तो उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, उसके अंदर लिपिड बायलेयर पाई जाती है, दो लेयर्स पाई जाती हैं, अपर और लोअर लेयर ऑफ लिपिड्स, और लिपिड बायलेयर के अंदर कहीं कहीं वहाँ पर प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होती है, ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है। चौथा जो है उसका होता है ये इंसुलेट करता है बॉडी को फ्रॉम, ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है सम वर्टिब्रेट बॉडीज़ को क्या करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ हम एक और फंक्शन अगर इसका देखें तो इंसुलेशन के साथ साथ ये जो है ये कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर प्रोवाइड करने में हेल्प देता है, किन के लिए, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म्स ऐसे जानदार जो मेटाबॉलिक हीट के ज़रिए अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जानदारों के अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरी क्लास, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन के अगर सोर्सेज की बात करें तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये एनिमल सोर्सेज जो हैं वो उसके होते हैं मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं ये हैं इसकी सोर्स। इसके साथ साथ प्लांट सोर्स की बात करें तो बीन्स हैं, पीज़ हैं और पीज़ के साथ साथ नट्स जो हैं ये सोर्स हैं प्रोटीन के। इसके साथ साथ जो एनिमल फ्लैश हम कह सकते हैं बॉडी जो उनके मसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन्स जो हैं ये बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर अमाइनो एसिड्स जो हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर, और हेटरोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स यूज़ दीज अमाइनो एसिड्स। तो हेटरोट्रॉफ्स क्या करते हैं इन अमाइनो एसिड्स को यूज़ करके टू बिल्ड देयर ओन बॉडी प्रोटीन, अपनी बॉडी प्रोटोट्रॉप्स यूज़ करते हैं इन्हीं अमाइनो एसिड्स को
फॉर बिल्डिंग ऑफ देयर ओन बॉडी प्रोटीन्स, अपनी बॉडी के प्रोटीन्स बनाने के लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एक और यहाँ पर आ रहा है, वो क्वेश्चन है हमारे पास से, कहलाता है डिफाइन मिनरल्स एंड देयर रोल। हम यहाँ पर मिनरल इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और उनके बाद हर मिनरल को इंडिविजुअली उसके रोल की बात करेंगे। मिनरल्स की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। और इसके साथ साथ दूसरी अगर हम इनके साथ साथ बात करें तो दे अकर्स नेचुरली, ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ हैव अ डिस्टिंक्ट, हैव क्लियर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो इनके अंदर क्लियर जो है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में इसकी दो टाइप्स हम देखेंगे जी। पहली टाइप को कहते हैं इसेंशियल मिनरल्स, इसेंशियल मिनरल्स को हम लोग मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। इसेंशियल मिनरल्स भी इसका नाम है, इसेंशियल मिनरल्स यानी कि ये वाले मिनरल्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार में चाहिए हों, जबकि दूसरे जो होते हैं ये नॉन इसेंशियल या ट्रेस मिनरल्स कहलाते हैं। ट्रेस मिनरल्स का दूसरा नाम है माइक्रो मिनरल्स। तो ये ही दो टाइप्स हैं हमारे पास मिनरल्स की, माइक्रो मिनरल्स या और इसेंशियल मिनरल्स। सबसे पहले इसेंशियल या मैक्रो मिनरल्स की बात करते हैं तो हमारे पास चार मिनरल्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सोडियम, सोडियम है। इसके साथ साथ इसी की तरह का एक और मिनरल है वो कहलाता है पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ये दोनों जो है ये फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड मसल्स के लिए, यानी कि ये नर्व और मसल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। और ये असल में ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब एनिमल जो है ये यूरिनेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसके नतीजे में सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस जो हैं ये लॉस हो जाते हैं। तो इसी लॉस की वजह से इन आयंस के लॉस होने की वजह से ये इन आयंस की या मिनरल्स की बॉडी में कमी डेफिशिएंसी वाकई हो जाती है, जिन मिनरल्स को बॉडी में अपटेक करना पड़ता है फूड के साथ साथ। एनिमल्स लूज सोडियम इन देयर स्वेट, और इसी के साथ साथ जो सोडियम है ये इन एनी पॉजिटिव इन स्वेट जो है ये भी वेस्ट होता है। तो ये दो हिस्से हैं जी, एक यूरिनेशन के जरिए एक प्रोसेस और दूसरा स्वेटिंग के जरिए ये मिनरल्स जो हैं ये बॉडी से लॉस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा मिनरल, दो मिनरल्स की बात हो चुकी है सोडियम और पोटासियम की, तीसरा मिनरल है हमारे पास कैल्शियम टू पॉजिटिव, जिसको हम लोग कैल्शियम कहते हैं। कैल्शियम की एक अच्छी भली फेयर अमाउंट ऑफ फेयर अमाउंट इज रिक्वायर्ड इन डेली डाइट। तो डेली डाइट के अंदर या बैलेंस न्यूट्रिशन के अंदर कैल्शियम की अच्छी भली मकदार जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। चौथे मिनरल की बात करेंगे तो चौथा मिनरल है हमारे पास फॉस्फोरस, चौथा मिनरल है हमारे पास फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो है इस मिनरल की अगर हम बात करें तो ये बोन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। अब हम जो हमारे दूसरे नंबर पे दूसरी क्लास की अगर हम बात करें तो ये वो होंगे हमारे पास ट्रेस मिनरल्स। तो ट्रेस मिनरल्स में देखें हम तो ट्रेस मिनरल्स में हमारे पास शामिल होंगे, ये हमें बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं। और इसके साथ साथ इनका फंक्शन बेसिकली होता है एंजाइमेटिक फंक्शन, इनका फंक्शन जो है ये एंजाइमेटिक फंक्शन होता है। एंजाइमेटिक फंक्शन मीन्स ये एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर के तौर पे एक्ट करेंगे और एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में फुली हेल्पफुल होंगे और हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल रोल करेंगे इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल मिनरल्स का, या जिनको हम लोग मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रोल ऑफ कैल्शियम की। तो कैल्शियम के रोल में बात करेंगे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल रोल्स के अंदर ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट है कैल्शियम जो है Ca2 पॉजिटिव, ये कंपोनेंट है बोन्स का ऑफ बोन्स प्लस टीथ, ये इन दोनों का कंपोनेंट है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे और इसके साथ साथ ये इसेंशियल है फॉर कैल्शियम जो है ये इसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए, नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम जो है उसकी अच्छी बड़ी फेयर रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा तीसरा फंक्शन देखेंगे तो ये नॉर्मल मसल न्यूरॉन और सेलुलर फंक्शंस के लिए, नॉर्मल हम कहेंगे नॉर्मल मसल न्यूरॉन और सेलुलर फंक्शनिंग के लिए हमें कैल्शियम रिक्वायर्ड होगा। दूसरे मिनरल की बात करेंगे हम
दूसरे मिनरल की हम जब बात करेंगे वो है हमारे पास क्लोरीन Cl नेगेटिव। ये जो है इसका मेजर फिजियोलॉजिकल रोल की बात करेंगे तो ये नेगेटिव आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, तो ये मेन नेगेटिव आयन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के अंदर। सेल के एक्स्ट्रा जितना सेलुलर फ्लूड मौजूद होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड उसके अंदर नेगेटिव आयन के तौर पर क्लोरीन पाई जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है ये एसिड एसिड बेस और इसके साथ साथ फ्लूड बैलेंस जो है या बॉडी फ्लूड बैलेंस जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होगा, चाहिए होगा हमें। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो ये क्लोरीन चाहिए होगा HCl प्रोड्यूस करने के लिए स्टमक के अंदर एसिड जो है ये स्टमक का एसिड जो है वो प्रोड्यूस करने, गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा मिनरल जिसकी हम बात करेंगे दैट इज़ मैग्नीशियम, तो ये है हमारे पास मैग्नीशियम जिसको हम कहेंगे Mg2 पॉजिटिव। Mg2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले है ये जी मेजर कंपोनेंट ऑफ मेजर कोएंजाइम, बड़े बड़े जितने भी कोएंजाइम्स हैं उनका कंपोनेंट है मेजर कोएंजाइम्स का। इसके साथ साथ ये रिक्वायर्ड होता है फॉर न्यूरॉन एंड मसल फंक्शन के लिए, न्यूरॉन एंड मसल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसके साथ साथ हम इसको कहेंगे नीडेड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 पे हमारे पास पोटासियम, पोटासियम जो है ये हमारे पास K पॉजिटिव होगा। पोटासियम जो है ये हमें रिक्वायर्ड है, इसके दो ही यूज़ हैं, पहला है जी बोन और इसके साथ साथ ब्लड प्लाज्मा में, बोन और ब्लड प्लाज्मा में हमें रिक्वायर्ड होगा पोटासियम। दूसरे नंबर पे है ये रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पे है हमारे पास नंबर 5 पे है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस के हैं बेसिकली 2 से 3 फंक्शंस। पहला रोल है इसका एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी मेटाबॉलिज्म पहला रोल है। इसके साथ साथ दूसरा रोल हम देखेंगे इसका ये है मेजर पॉजिटिव आयन इन सेल, जो हमारा फॉस्फोरस है यही हमारा मेजर पॉजिटिव आयन को हम लोग नेम देते हैं केटाइन है ऑफ सेल। इसके साथ साथ ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने के साथ साथ इसका एक और फंक्शन होगा जो कि है हमारे पास डीएनए आरएनए और एटीपी और मेटाबॉलिज्म है। ये हमें डीएनए फॉर्मेशन में, इसके अलावा एटीपी फॉर्मेशन में और एटीपी के साथ साथ तीसरे नंबर पे हमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हम देखेंगे सोडियम की बात करेंगे, 6 नंबर पे है सोडियम हमारे पास। सोडियम जो है ये हमें ये भी पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। दूसरे नंबर पे हम इसको कहेंगे ये फ्लूइड बैलेंस के लिए हेल्पफुल है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स की डिटेल इस या इसे नेक्स्ट चैप्टर में आ रही है। इसके बाद लास्ट पे है ये रिक्वायर्ड होता है सोडियम फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। चलिए लास्ट हमारे पास एसेंशियल मिनरल है 7 नंबर पे, वो है हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र के 2 रोल्स हैं सिर्फ, सबसे पहले है ये कंपोनेंट है जी प्रोटीन स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। इसके साथ साथ दूसरा रोल है इसका कि ये डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन, यानी कि जो पॉइजन्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस के अंदर और इसके साथ साथ दूसरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर हेल्पफुल होगा। अब फिजियोलॉजिकल रोल हम बात करेंगे ट्रेस मिनरल्स के अंदर हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोबाल्ट की,
और ये कोबाल्ट जो है इसका सी ओ सिंबल होता है। कोबाल्ट जो है इसके दो फंक्शन हैं, सबसे पहले ये कंपोनेंट है विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व का, विटामिन बी ट्वेल्व का कंपोनेंट है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पे इसका फंक्शन है ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे ये फंक्शनल पार्ट है साइटोक्रोम का भी, साइटोक्रोम के भी फंक्शनल पार्ट का हिस्सा है पहला ट्रेस एलिमेंट। दूसरे ट्रेस एलिमेंट की बात करें तो दूसरा ट्रेस एलिमेंट है हमारे पास कॉपर। कॉपर जो है ये सी यू होता है, सी यू, और इसमें अगर हम बात करें तो ये मेनी कंपोनेंट ऑफ मेनी इंजाइम्स है। इंजाइम्स के साथ साथ दूसरे नंबर पे ये भी हीमोग्लोबिन सेंथेसिस में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन सेंथेसिस में हेल्प करता है। इसके साथ साथ कॉपर जो है ये भी हमारे पास साइटोक्रोम, ये साइटोक्रोम वाला जो है ये पॉइंट इसका है। कोबाल्ट का दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स हो चुका है, ये साइटोक्रोम वाला हिस्सा जो है, साइटोक्रोम वाला हिस्सा और हीमोग्लोबिन वाला हिस्सा जो है ये है हमारे पास साइटोक्रोम और हीमोग्लोबिन। ये इंजाइम का हिस्सा कॉपर होगा, इसके अलावा हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के साथ साथ साइटोक्रोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये तीनों पार्ट्स हो जाएंगे कॉपर के। इसके बाद तीसरा है हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये एफ होगा हमारे पास। फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन जो है इसमें इसके बेसिकली दो हिस्से हैं। सबसे पहले ये बोन और टीथ का हिस्सा होता है, बोन और टीथ का कंपोनेंट है, और इसके साथ साथ ये टीथ डीके से बचाता है। फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड टूथपेस्ट भी कही आप लोगों ने सुना। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे आयोडीन की। आयोडीन जो है ये हमारे पास इसका एक ही रोल होता है, ये थायराइड, थायराइड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, थायराइड फंक्शनिंग में हेल्प देता है, यानी कि थायराइड की ओवर प्रोडक्शन को रोकता है। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे ट्रेस एलिमेंट के अंदर है हमारे पास मैंगनीज। मैंगनीज एमजी कहते हैं इसको, मैंगनीज की जब बात करेंगे, सॉरी ये एमएन है, मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज, ये मैंगनीज जो है ये हमारे पास मैनी एंजाइम को एक्टिवेशन, मैनी एंजाइम एक्टिवेशन में हेल्प देता है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में हेल्प देता है। इसके साथ साथ एक एंजाइम जो है ये यूरिया फॉर्मेशन में, यूरिया फॉर्मेशन में भी हेल्प देता है, और इसके साथ साथ क्रैब्स साइकिल में भी, क्रैब्स साइकिल के एंजाइम्स में भी हेल्प आउट करता है। सिक्स है ये हमारे पास मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम की बात करेंगे तो मोलिब्डेनम जो है एम ओ इसका सिंबल है, और ये जो है ये इसका ये क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है काफ़ी सारे ऑफ मेजर एंजाइम्स का, काफ़ी सारे एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है। सेवन नंबर पे बात करते हैं तो सेवन नंबर पे हमारे पास सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये है सिर्फ फैट मेटाबॉलिज्म, एस ई होता है सेलेनियम, और ये सेलेनियम जो है ये फैट मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्पफुल है। जहाँ पर फैट मेटाबॉलिज्म चाहिए होगा हमें, वहाँ पर सेलेनियम रिक्वायर्ड होगा। आठवें नंबर पर हमारे पास जिंक। ट्रेस एलिमेंट में जिंक आता है, जेड एन है उसका सिंबल, और जिंक के दो फंक्शन हैं। सबसे पहले एटलीस्ट ये है हमारे पास जिंक जो है ये एटलीस्ट 70 एंजाइम्स का कंपोनेंट है जिंक। दूसरे नंबर पे इसका फंक्शन है जी ये हीलिंग के अंदर हेल्प देता है, जो जो जख्म लग जाते हैं उनकी हीलिंग के अंदर, उसके साथ साथ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है। लास्ट हमारे पास जो मिनरल है, ट्रेस मिनरल, ये है हमारे पास आयरन। आयरन का एफ ई सिंबल होता है, और आयरन जो है ये हमारे पास हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के तौर पे इसका सेंट्रल एलिमेंट होता है। इसके साथ साथ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन में भी आयरन पाई जाएगी, और इसके साथ साथ एंजाइम्स, और एंजाइम्स के साथ साथ साइटोक्रोम्स। तो ये हैं वो कंपोनेंट्स जिनके अंदर आयरन पाया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेसन। इस लेसन के अंदर हमने देखा, बेसिकली हम लोगों ने मिनरल्स को डिस्कस किया, और इससे पहले हम लोगों ने न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फिजियोलॉजिकल रोल्स को देखा, और उसके बाद हमने मिनरल्स देखे, मिनरल्स की टाइप्स देखी, और उन मिनरल्स की टाइप्स में हर एक के फिजियोलॉजिकल रोल्स को सेपरेटली देखा। अगर आप लोग इस लेक्चर को दोबारा देखना चाहते, इस लेक्चर को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा, और इसके साथ साथ हमारे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ मुझे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक पहुँचे हमारी वीडियो सबसे पहले और सबसे तेज। और फर्स्ट लेसन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, और आपने इस चैनल के साथ बने रहना है ताकि आपका ये कोर्स कम्प्लीटली अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो सके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।